हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं तल रही थी बेसन की पकौड़ियाँ, जिनकी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं यहीं से शुरुआत की हूँ। बस कुछ नहीं है, बेसन में मैंने ना प्याज, हरे मिर्च, धनिया पत्ते यही सब डाल के ना इनको मिक्स कर ली हूँ नमक डाल के, और उसके बाद थोड़ा सा खवा सोडा आधा चम्मच के करीब, क्योंकि मेरे एक कटोरे के करीब बेसन थे। और आप लोग देख रहे होंगे कि बेसन का जो बैटर है काफ़ी ढीला है, तो ये भी एक ट्रिक होता है सॉफ्ट बढ़िया बनाने के लिए। आप कभी भी बेसन या कढ़ी बड़ी के लिए पकौड़ियाँ तल रहे हो या सब्जी बना रहे हो, तो उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो थोड़े ढीले से बेसन हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। मतलब ये जितना ढीला रहेगा उतना फ्लफी और टेस्टी बनेगा। तो मैंने देखा ही है आप लोग ने कि बहुत छोटा छोटा लोइया रखी हूँ, बट फुल के देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं और एकदम जालीदार पकौड़ियाँ बन रही हैं एकदम अंदर से। जब ये ग्रेवी में पड़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कि एकदम पी होगी सब्जी, बढ़िया बड़ियों वाली सब्जी। तो आज हम लोग का मन था यही, थोड़ा संडे स्पेशल ब्लॉग होना भी चाहिए, तो इस वजह से। तो कल से तो इनकी ड्यूटी चालू है, मंडे से ड्यूटी जा रहे हैं, तो मेरा टाइम टेबल अब देखिए मैं चेंज होती हूँ या क्या होती हूँ, मैं पहले जैसे हो जाती हूँ या मेरे वीडियो के चक्कर में हो सकता है कहीं लेट लतीफ़ हो, क्योंकि मुझे एडिट वगैरह भी करना पड़ता है इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसी टाइम टेबल में मैं रहूँ। तो यहाँ मैं सारे पकौड़ियों के ऐसी उलट फेर करके ना मैं इनको फटाफट पहले तल लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी इसके मसाले की तैयारी। पहले मैं पकौड़ियाँ ही तल लूँगी, उसके बाद नाश्ता वगैरह भी मुझे अभी बनाना है। मैंने अभी कुछ नहीं ये किया है, बस शुरुआत की है और आप लोग के साथ शेयर करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप खवा सोडा डालते हो तो उसके कलर थोड़े से चेंज हो जाते हैं या खाने में टेस्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी खवा सोडा और नमक को साथ में मिक्स मत करिएगा। मिक्स मैच करने से ही वो परेशानी आती है, अगर नमक और खवा सोडा एक साथ मिक्स होती है तो वही थोड़े से ख़राब होने के चांस होते हैं। वरना ऐसे आप पहले नमक मिक्स कर लो बाद में खवा सोडा, तो इससे कुछ परेशानियाँ नहीं होती है। तो चलिए मैं ऐसे ही सारे को तल लेती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बनाऊँगी पोहा। इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर की हूँ कि क्योंकि मैंने बहुतों बार आप लोग के साथ शेयर किया है। यहाँ तो मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, बट मैं कभी होता है ना कि कभी कभार आपके घर में मसाले ना हो, तो मैं फिर भी बनाती हूँ क्यों नमक चीनी वगैरह डाल के। तो उसकी भी अगर वो मैं कभी वैसा बनाती हूँ उस टाइप का, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इनको सर्व करके दे देती हूँ। चलिए तो बनाती हूँ झटपट सब्जी। तो मैंने फोरन में सूखे लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और फिर प्याज डाला है। वो पहले चटक गए हैं, उसके बाद तो थोड़े से भुनने के बाद देख सकते हैं मेरे प्याज ना काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं जो मेरा रेगुलर मसाला है वो उसके 2 चम्मच, और उसके बाद थोड़े से हल्दी और नमक डाल दूँगी इसमें और भूनूंगी साथ साथ। और इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार कर लिया है और इसमें मैं टमाटर का प्यूरी भी डालूंगी। तो ये रहा लहसुन अदरक और उसमें हरी इलायची है, तो उसको पहले भून लेंगे, उसके बाद उसी जार में मैं पीसूंगी टमाटर, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाले लगे हैं। तो ये रहा, मैंने 2 टमाटर लिया था, उसका प्यूरी बनाया था। मतलब मेरे छोटे छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इस वजह से। अगर आपके बड़े हों तो एक ही डालिएगा, आप इससे थोड़े से ज़्यादा या कम भी डाल सकते हो प्याज और टमाटर। मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से, 2 जन के हिसाब से मैंने ये मसाले तैयार किए हैं। ऐसे आप प्याज का क्वांटिटी और टमाटर का और बढ़ा दीजिएगा तो और ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको ना अच्छे से भूनूंगी जब तक तेल छिटक ना जाए मसाले से। अभी इनमें टाइम है, तब तक मैं चलूँगी बाहर, क्योंकि इनका फ़ोन आया है इसी बीच में कि आ रहा हूँ, बाहर बहुत सारा पानी लगा हुआ है, तो मैं थोड़े से मेन गेट खोल दूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर। चलिए आप लोग को लेके चलती हूँ बाहर, क्योंकि बाबू लोग ना पापा के साथ गए हैं। तो मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि होता है ना बच्चे काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकले हैं, तो ये अपना गाड़ी में हवा वगैरह दिलवाने गए थे, तो बाबू लोग भी बैठ गया था उनके साथ।
तो फोन आई है, मैं खोल देती हूँ ग्रिल। जस्ट मिनट, देख सकते हैं कल की बारिश में कितना पानी फिर से जमा हो गया मोहल्ले में। तो ये आ ही रहे होंगे, गला खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मैं दिखाती हूँ इसमें छोड़िए, मेरा बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं उसके, अभी नहीं दिख रहा है। बच्चे कहीं चले जाते हैं तो घर एकदम सूना हो जाता है। ये है हमारा गैरेज जहाँ पे गाड़ी वगैरह लगता है, वो सीढ़ी रखी हुई है, साफ सफाई भी काम देती है। और बउआ को ना केक खाने का बहुत मन है, पापा मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे कब है, मम्मा तुम चॉकलेट केक बनाओ। तो मैं सोची हूँ कि मैं ना बना के कुछ मार्केट वाली मैं मंगा दूँ, क्योंकि होता है ना कि अरे बना के तो खिला ही देती हूँ, कितना दिन हो गया बाहर का कुछ खाया पिया नहीं है, तो थोड़े से अच्छे और यम्मी टेस्टी फ्लेवर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए आने ही वाले हैं, देखो कितने बड़े हो गए हैं बच्चे सब, कितना मुंडी दिख रहा है। चलिए तो पापा गेट बंद कर देंगे, चलो अभी बच्चा लोग का साइकिल कुर्सी सब यहीं पे है। बाबू मैं इसको सैनिटाइजर करके दूंगी। बच्चे चलिए मैं चलती हूँ किचन में, मेरी मसाले तब तक भुन रही थी, इसको सैनिटाइजर करना है, वॉश करके दूंगी उन लोग को बाद में, अभी नहीं। तो देख सकते हैं तब तक मैं गई थी बाहर, मेरे मसाले एकदम भुन के रेडी है। मैंने एकदम लो फ्लेम करके छोड़ दिया था, तो इनमें डालूंगी मैं पानी उतना ही जितना ज़रूरत हो और बढ़िया फूल जाए अच्छे से। मैं थोड़े से और डालूंगी क्योंकि ये बहुत कम है, इतने तो होने चाहिए सब्जी बनने के बाद। थोड़े आधा कटोरी के करीब मैं और पानी डाल दूँगी, बस अब इसको खोलने दूँगी। जब ये अच्छे से खोल जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी इसमें वो बढ़िया जो मैंने तल के फ्राई करके रखी है। और ये रहा मेरा रेगुलर गरम मसाला, इसके बिना तो मेरा हर सब्जी अधूरा है। तो बस मिक्स करके और छोड़ दूंगी मैं इनको खोलने के लिए, जब ये अच्छे से खोल जाएंगे उसके बाद मैं डालूंगी बढ़िया। और मैं बढ़िया को भी दिखाऊंगी, काफ़ी सॉफ्ट बनी थी, क्या बताओ, बहुत टेस्टी सब्जी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, कभी भी मन ना करे हरी सब्जियां खाने का या कुछ डिफरेंट ट्राई करने का तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं जो ट्रिक बताई हूँ वो टिप्स और ट्रिक के साथ तो सच में बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोग को, तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं एक और अच्छे से दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट बनी थी, एकदम डालते गल से गई थी। क्या बोल रहा था बेटा? जिगर तुम क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो? पे बोए। क्या बोले हैं? पे बोए। ये क्या करना है, ये क्या है जो तुम्हारे हाथ में, वो क्या है बेटा? ये वो नहीं, ये मैं हाथ एक पे है। मैं ना बार बार जानबूझ के करी थी हाँ ताकि वो बोले पे, स्प्रे को पे बोल रहा था बाबू। तो बहुत हंसी आ रही थी हम लोग को, ये भी बड़े हंस रहे थे कि बच्चे कितने अबोध होते हैं ना, उनको कुछ भी पता नहीं होता है, एकदम लाइफ मतलब क्या बताओ क्या दिन रहते हैं बचपन वाली। तो यहाँ पे मैं बदल रही थी बेडशीट, तो यहाँ पे मैं पहले इस रूम का चेंज कर ली हूँ, उसके बाद चलूँगी हॉल का। ये मेरे कुछ कपड़े हैं जिनको मैं फ़ोल्ड करूँगी थोड़ी देर बाद, पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए हॉल में करते हैं बेडशीट चेंज और उसके बाद करूँगी मैं उस रूम का भी। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ बेडशीट चेंज, उसके बाद जाऊँगी शावर लेने क्योंकि मेरे सारे काम हो गए हैं। और काम तो ऐसे ही होता है पूरे दिन करिए, फिर भी थोड़े ना थोड़े छोटे घर मतलब बच्चे जब छोटे हो घर में तो काम तो थोड़े से हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ चेंज बेडशीट, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से।
अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम का बेडशीट चेंज करने, और आप लोग के साथ एक बात शेयर करनी है। मैं जल्द ही आप लोग के साथ अपना होम टूर शेयर करूँगी जहाँ मैं रहती हूँ, और बताऊँगी कि मैं रेंट के घर में रहती हूँ या मेरा खुद का घर है। तो वो सब मैं जल्द ही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, और उसके बाद अपने गांव भी लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे जाने हैं कुछ दिन बाद घर पे, तो मैं वहाँ का भी शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ बेडशीट चेंज। हेलो हेलो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल चलिए कुछ सामान है, मैं सिंदूर वगैरह ला दूंगी। और यहाँ पे ना बेसिन के पास मैंने टॉवल रखा है क्योंकि वो धुल के मैंने रखे थे कल। और देख सकते हैं आया है कुछ थैला में बाहर सामान, इसको मैं डिसइंफेक्ट करूँगी तब अंदर लेके जाऊँगी। लगता है बेटा आप लोग का केक आया है। नहीं चलो देखते हैं, साड़ी थी तो सोचा है कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो कितने छोटे छोटे थे और फूले फूले एकदम बने हैं, साइज में कितना बड़ा हो गया है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा ये टेस्टी यम्मी सब्जी। तो देख सकते हैं यही कुछ सामान थे ये गए थे, तो कुछ शायद एक आध झूठ मूठ का ऐसे ही लेके आए हैं। और ये है चावल का पैकेट जो ट्रायल पैक में है, उन्होंने बोला है कि इसको ट्राई करके देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो इसी का बड़ा वाला पैक ले जाइएगा। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं, और यहीं से करूँगी मैं दूसरे ब्लॉग का।